बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर आप टोटल एक मैं एक अमाउंट की अगर मैं एक बात करूं आप लोगों से कि टोटल इंडिया पे 22.5 बिलियन डॉलर जो बाहर का इन्वेस्टमेंट था, वो बाहर का भी जो इन्वेस्टमेंट था वो इन्वेस्टमेंट वालों ने विड्रॉ कर लिया इंडिया से बिकॉज ऑफ द स्लो डाउन ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड टोटल जो चीज़ चल रहा है अभी इंडिया के। एंड सबसे बड़ा बात की यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर हम लोग बात करें, मैं कुछ दिन पहले मैं उबेर में जा रहा था तो उबेर में मैं जाते जाते मैं एक चीज़ सुना जो दिल्ली गवर्नमेंट से जो ऑलरेडी पब्लिश कर रहा था, तो मैं अभी दिल्ली में नहीं हूँ। मैं दिल्ली से मैं बाहर जा रहा था तब मेरे को ये जस्ट न्यूज़ मेरे को सुनने के लिए मिला कि दिल्ली गवर्नमेंट एक प्रचार कर रहा है कि हर एक स्कूल में कोई भी एंटरप्रेन्योर या फिर कोई भी स्टार्टअप्स है जो जिसका डायरेक्टर हो है या फिर सीईओ या फिर कोई भी एक स्टार्टअप्स है या फिर कोई एंटरप्रेन्योर है वो स्कूल में जाए, गवर्नमेंट स्कूलों में जाए, स्पेशली लड़की को बिजनेस करना सिखाए, हर एक लड़की को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए या फिर खुद का स्टार्टअप, खुद का बिजनेस करने के लिए उसको मोटिव करे एंड उसको रास्ता दिखाए कि कैसे कैसे स्टार्टअप करना चाहिए, कैसे कैसे स्टार्टअप होता है। इन सब के चीज़ के लिए ऑलरेडी स्केल करना उन सब स्टूडेंट्स को एंड उनको ऑलरेडी नॉलेज देना स्टार्टअप रिलेटेड, स्टार्टअप इंडस्ट्री रिलेटेड, कैसे कैसे चीज़ करना चाहिए, कैसे आप एक सक्सेसफुल एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, कैसे आप एक सक्सेसफुल एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, साथ साथ में आपका बिजनेस कैसे खड़ा करना है, कैसे आपका स्टार्टअप आप डायरेक्टली स्पेड कर सकते हो इन होल अक्रॉस इंडिया और आउटसाइड इंडिया। इन सब के बारे में कुछ एक एडवर्टाइज चल रहा था जो दिल्ली गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेके कुछ रेडियो चैनल्स में वो ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट दे रहे थे। मैं अगर बात करूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा डायरेक्टली कोई इनिशिएटिव नहीं है। पहली बात तो ये, आप अगर स्टार्टअप के बारे में कुछ नहीं जानते, अगर आप एक नॉर्मल गांव से आ रहे हो या फिर आप ये जो वीडियो देख रहे हो आप किसी भी कोई गांव पे बैठे हो, अगर आप नॉर्मल कोई स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो या फिर आप नौकरी करते हो, कुछ भी करते हो, सो आपको स्टार्टअप के बारे में सुनते ही पहले तो आपको ये दिमाग में आएगा कि दिस इज़ अ रिस्कफुल डिसीजन एंड ये कोई बेवकूफ़ी लेगा। हाँ, मेरे को भी पहले बहुत बार ये बात सुनने के लिए मिला एंड मैं इससे ऑलरेडी तंग नहीं हुआ एंड मेरे को ये अच्छा लगता है जब कोई बोलता है कि नहीं ये नहीं होगा, तो मेरे को ये सब कुछ चीज़ करने के लिए मेरे को एक टारगेट मिलता है कि चैलेंज मिलता है कि नहीं, अगर उसने बोला कि नहीं होगा पर ये मेरे को उसको गलत प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि नहीं ये हो सकता है। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस का अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टअप इंडिया का ऐसे कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। अगर मैं आपको रियल ऐप की अगर मैं बात करूँ, स्टार्टअप इंडिया वालों ने बहुत सारा कुछ चीज़ किया, बहुत बहुत पैसा फूका ऐप के ऊपर, बट उन लोगों का ऐप प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आप जाके गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है तो आप जाके वहाँ पे उन लोगों का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। बट सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि ऐप तो है पर वो ऐप खुलता नहीं है। उन लोग क्या किया था कि उस ऐप के अंदर कुछ लर्निंग प्रोग्राम, कुछ स्किल लर्निंग प्रोग्राम, कैसे आप स्टार्टअप करोगे, कैसे आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे, कैसे कैसे कोई सक्सेसफुल जितने सारे सारे स्टार्टअप है उन लोगों का कुछ वाणी ज्ञान उसमें भर के दे दिया था। बट जो ऐप था वो ऐप इतना रद्दी ऐप है, वो इतना घटिया ऐप है कि वो ऐप चलता ही नहीं है। एंड आजकल तो उस ऐप का जो मेन मतलब ऐप आप डाउनलोड कर लिया, अगर उस ऐप को आप खोल रहे हो तो उसमें ये दिखाता है कि वो इट्स नॉट वर्किंग एंड वो ऑलरेडी ऐप फोर्स क्लोज हो जाता है। ये है हमारा गवर्नमेंट का सर्विस। गवर्नमेंट हर टाइम हर रोज़ नया नया इनिशिएटिव लेता है। मेरे पास तो हर रोज़ कम से कम 20 से 30 इनविटेशन आता है, सिर्फ नीति आयोग, ये स्टार्टअप इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया, फलाना ढिमकाना, इन लोगों के पास से कि आज ये प्रोग्राम चल रहा है, कल वो प्रोग्राम चल रहा है, कल ये चल रहा है, वो चल रहा है, बट अल्टीमेटली रियलिटी इक्वल टू 0। गवर्नमेंट के पास से कोई भी हेल्प आप लोग भूल ही जाओ। अगर आप लोगों को स्टार्टअप करना है तो सिंपल सी बात, आप लोग डायरेक्टली जाके कॉरपोरेट अफेयर्स जो डिपार्टमेंट है
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वहाँ पे जाके अगर आप लोग रजिस्टर कर सकते हो, अदरवाइज़ खुद नॉर्मल एक डिड बना के या फिर नॉर्मल आपका जो ट्रेड लाइसेंस है वो बना के आप पहले, सबसे पहले स्टेज है आपका जो भी सर डॉक्यूमेंटेशन है वो सारे के सारे क्लियर होना चाहिए। अगर आप लोग प्रोटोटाइप पे काम कर रहे हो, अगर आप लोग नॉर्मल एक फर्स्ट टेस्टिंग या फिर पायलट प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हो, तो फिर आप लोगों का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं है। आप लोग नॉर्मली एक, अगर स्कूल का टीम हो या फिर आप लोग कॉलेज से हो, आप लोग खुद का एक टीम बिल्डअप करो पहले। सबसे तो फर्स्ट बात है आप लोग एक टीम बिल्डअप करो। टीम बिल्डअप करके आप लोगों का जो प्रोजेक्शंस है, जो भी प्रोजेक्ट्स को लेके, उसको आप लोग पहले उसको सिंप्लीफाई करो। पहले टोटल जो वर्क ऑर्डर है, आप लोग कैसे 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 काम करने वाले हो, उसको पहले डिवाइडेशन कर दो पहले। कि हाँ, सपोज पहला जो काम है वो है कंपनी रजिस्ट्रेशन, या फिर प्रोडक्ट का जो भी है आपका, अगर आप लोग डायरेक्टली कोई जिसको कहते हैं आपका आईपी, जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो भी राइट्स है, मतलब जिसको हम लोग अच्छे से, अगर मैं वर्ड में अगर 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 बोलो कि पेटेंट फाइल करवाना, तो फिर पेटेंट फाइल अगर आप करते हो, अगर आपके पास ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है, तो आप लोगों का पहले काम होगा कि आप लोग पहले पेटेंट फाइल कराओ, देन कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाओ, एंड देन जीएसटी फीस, जो कुछ भी चीज़ है, फलाना डिफलाना टाइम करना है, मेरे को पहले ये काम 1 हफ्ते में करना है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोग कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए अगर कोई आप सीए के पास जा रहे हो, तो मेक श्योर दैट कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे वो लाइबिलिटी लिमिटेड हो, कोई भी लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैक्स टू मैक्स 5,000 रुपीज़ खर्चा होता है, अगर आप कहीं बाहर से करवा रहे हो तो। इससे एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज आप लोग, अगर आपसे मांगेगा कि सपोज 30,000 रुपये दे दो, 20,000 रुपये दे दो, 40,000 दे दो, सो दिस इज़ नॉट आ रियल चार्ज। वो लोग आप लोगों से बहुत पैसा लूट रहे हैं। एंड प्रोटेस्ट करो इस चीज़ को, क्योंकि मेरे पास इस, मैं जो अभी चीज़ के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारा ऐसे ऑलरेडी स्टार्टअप आ चुके हैं, एंड मिलते रहते हैं हम लोग कि 40,000 रुपये दे दिए उसने, 30,000 रुपये दे दिए, एक सिर्फ सिंगल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करने के लिए। सो मेक श्योर दैट आप लोग पहले उनसे बात करो, उनसे डील करो कि नहीं सर, दिस इज़ नॉट रियल और रेगुलर कॉस्ट, दिस इज़ ओनली द बजट इज़ 5,000 रुपीज़, आप कर पाओगे कि नहीं। अगर वो लोग मना करते हैं, तो बहुत सारा नया नया स्टार्टअप्स हैं जो स्टार्टअप को रिकॉग्नाइजेशन करने में या फिर स्टार्टअप को एनलिस्ट करने में जो लोग हेल्प करते हैं, सपोज़ मान लीजिए हमारा खुद का ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम करते हैं, एंड बहुत सारा स्टार्टअप्स है जो स्टार्टअप को ही डायरेक्टली हेल्प करते हैं इन सब चीज़ के बारे में। अगर आप लोग चाहोगे तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं कमेंट्स में जाके सबका रिप्लाई करके, कौन कौन एक्टिवली काम कर रहे हैं, कौन कौन स्टेट में, हमारे साथ ऑलरेडी बहुत सारा स्टेट्स है, तो हर एक स्टेट से जो जो भी ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं एक्टिवली फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जो जो हेल्प कर रहे हैं अभी, मैं सबका ऑलरेडी डिटेल्स मैं वहाँ पे दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग, कि पहले दिन से आपका नया ऑफिस या फिर नया सब कुछ अगर आप लेके चलने के लिए सोच रहे हो, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट आपका अगर बजट है इतना सब कुछ करने का तो ही करो। अदरवाइज अगर आपके पास बजट नहीं है तो नया ऑफिस लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, पहली बात। सेकंड, अगर आप लोग ऑफिस ले रहे हो, तो आप ये देखो कि आजकल गवर्नमेंट के तरफ से, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट के बात करो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का, मेरे को एक्चुअली गवर्नमेंट का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बोलना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि एज पर डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के पास ऐसे बहुत सारा जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट स्पेस डिक्लेयर कर रहा है ऑलरेडी कि नया स्टार्टअप को जगह दिया जाए वहाँ पे, उसका प्रोटोटाइप कोर्स कंप्लीट करने के लिए, या फिर उसका स्टार्टअप जब तक ना एक कमर्शियल स्केल पे बन जाए, तब तक वहाँ पे जाके वो लोग कुछ पैसा दे के, या फिर कहीं की जगह है पूरे के पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट में आप उस जगह को यूज़ कर सकते हो।
एंड वहाँ पे आपका स्टार्टअप का एकदम फास्ट बेसिक्स ऑफिस आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। बट हाँ, वहाँ पे ओनली आपको सिर्फ जगह जगह मिलेगा, अदरवाइज़ फर्नीचर भी मिल सकता है कहीं की जगह पे, बट वहाँ पे कोई कंप्यूटर्स वगैरह एंड अदर्स कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स वगैरह आपको नहीं मिलेगा। सो वो आपको खुद को जुगाड़ करना पड़ेगा। ऐसा भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे शायद आपको कंप्यूटर का भी कुछ हेल्प मिल जाए।